चलिए इस वक्त राजधानी भोपाल से महत्वपूर्ण अपडेट बता रहे हैं। आज कांग्रेस काफी बड़ी तैयारी में है, जन आक्रोश रैली, जन आक्रोश पदयात्रा कांग्रेस निकालने की तैयारी में है और इस पदयात्रा की अगुवाई पीसी शर्मा करेंगे। प्रदेश सरकार के विरोध में ये पदयात्रा, अभी हाल ही में बीजेपी ने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली थी, कहीं ना कहीं इसके विरोध में या फिर ये कह लें कि उसका मुकाबला करने के लिए कांग्रेस अब जन आक्रोश पदयात्रा निकाल रही है। बीते लंबे समय से कांग्रेस जनता के तमाम मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रही है, चाहे बात महंगाई की हो, तेल की हो या बिजली के बिलों की लेकर हो, लगातार प्रदर्शन कर रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जन आक्रोश पदयात्रा राजधानी भोपाल की सड़कों से ये तस्वीरें, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा की अगुवाई में ये जन आक्रोश पदयात्रा आज निकली है, जिसका समापन लिंटो हॉल पर होगा। राजधानी भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इस पदयात्रा में पहुंचे थे हमारे संवाददाता दुष्यंत पराशर। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा नेताओं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस आक्रामक है और लगातार सड़कों पर बनी हुई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बात की जाए तो पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के नेतृत्व में एक पदयात्रा बोर्ड ऑफिस चौराहे से शुरू हुई है जो कि मिंटो हॉल तक जाएगी और यहाँ पर हमारे साथ में पीसी शर्मा ही मौजूद है। सर, किस लिए ये पूरी पदयात्रा है, किस लिए ये पूरी पदयात्रा निकली? जन आक्रोश पदयात्रा है जो कोरोना में जो लोगों की जान गई उनको आज तक बहुत और लोग बेरोजगार हो गए, काम धंधे बंद हो गए, महंगाई, बेरोजगारी, कोरोना काल में जो लोगों को बैठे उनको मुआवजा नहीं मिला, उनकी नौकरी चली गई, उनकी नौकरी 35 लाख लोग बेरोजगार हो गए, कर्मचारियों को दिए नहीं मिला, तमाम 26 मांगे हैं। स्मार्ट सिटी में जो लोग बेघर हुए उनको घर मिले नहीं, इन सब को लेकर आगे भी मांगे पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे? लगातार चलेगा, लगातार संघर्ष चलने वाला है। जिस तरीके से पीसी शर्मा की बातें आपने सुनी कि लगभग 26 मांगे हैं जिनको लेकर ये पूरा प्रदर्शन है, जिस तरीके से लगातार सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। राजधानी भोपाल की बात करें तो इससे पहले राजधानी भोपाल में कई और भी प्रदर्शन हुए हैं और एक और प्रदर्शन यहाँ पर मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरफ से देखने को मिल रहा है जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे, लेकिन जिस तरीके से अपेक्षा कांग्रेस कार्यकर्ताओं से की गई थी उस संख्या में यहाँ पर कहीं ना कहीं कांग्रेस कार्यकर्ता नजर नहीं आए हैं। कैमरा पर्सन मनीष के साथ दुष्यंत पारा, सर अनादि टीवी भोपाल। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जन आक्रोश पदयात्रा में भारी संख्या में कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, काफी ज्यादा आक्रामक और आक्रोशित कार्यकर्ता, और ये यात्रा निकल रही है जिसका समापन मिंटो हॉल पर होगा।